हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पोहे की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैं चाहिए प्याज, मिर्च, टमाटर, करी पत्ता एंड रोस्टेड मूंगफली। कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लेंगे, उसमें राई डालेंगे, सौंफ डालेंगे। बहुत बेसिक रेसिपी है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके से बनाएंगे आपके पोहे बहुत टेस्टी बनेंगे। अब हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते डालने से जो हमारे पोहे का फ्लेवर होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है और अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर जो हमारे पास हमारे रोस्टेड पीनट्स थे हम उसे ऐड कर देंगे। पीनट्स का जो क्रंच आता है ना पोहो में, बहुत टेस्टी लगता है। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, थोड़ी सी, जिससे हल्का सा मीठापन आए, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और हल्दी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने से क्या होता है कि जो पोहे होते हैं वो खाने में ड्राई नहीं लगते और अच्छे भी लगते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इन्हें, थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब हम इसमें पोहे ऐड कर देंगे। नींबू का रस मिला देंगे। अच्छे से सब चीज़ों को मिला लेंगे। पोहे ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसे हम 2 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। पोहे रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।